नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की एजुकेशन न्यूज लेके हाजिर हैं। आज है 6 अप्रैल 2020। तो काफी सारी अपडेट्स आपको इस सिंगल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। KVS में ऑनलाइन कक्षा चलाई जाएंगी। कक्षा पहली से आठवीं, नौवीं और ग्यारहवीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के बारे में भी अपडेट आ गई है। तो काफी सारी अपडेट हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा अगर आपको सभी अपडेट्स चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है स्कूल कॉलेज खोलने पर 14 को फैसला। तो ये देखिए, ये आ गई है। महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा कि 14 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर कोई निर्णय लेगी। तो तब तक कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलेगी, 14 तारीख के बाद ही अपडेट आएगी। उसके बाद एक न्यूज है, ऑनलाइन पढ़ाई केवल 57% छात्रों के पास कंप्यूटर। बिल्कुल एक ये इशू है, ऑनलाइन संभव है नहीं। ठीक है, कुछ समय के लिए या कुछ कैंडिडेट्स या कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है, सभी को नहीं पढ़ाया जा सकता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स का सर्वे, 43% माँ बाप ने कहा नहीं है कंप्यूटर और प्रिंटर। और अगली अपडेट है, KVS ऑनलाइन कक्षाएं चलाएगा। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद, केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों से पढ़ाएगा। KVS के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने को कहा गया है। तो ये देखिए, ये फ्री टू एयर चैनल है, DTH जो है अपना, DD फ्री डिश, उसके चैनल नंबर 27 पे आता है पाणिनि। तो उस पर भी आपकी कक्षाएं चलेंगी। और चैनल नंबर 28 शारदा है, तो वहां पे भी आपकी कक्षाएं चलेंगी। ये यूट्यूब चैनल है। तो काफी अपडेट दी गई है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। और एक ये अपडेट और आई है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से, भिवानी बोर्ड से जुड़ी हुई। तो यहाँ कक्षा पहली से और आठवीं तक सभी को पास कर दिया गया है। नौवीं तथा ग्यारहवीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के बारे में, कक्षा पहली से आठवीं के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। मतलब कोई इशू नहीं है इनका, कोई पेपर बाकी है नहीं बाकी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेक्स्ट कक्षा में हो जाएंगे। कक्षा नौवीं के सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया जाए। कक्षा ग्यारहवीं के विषय में, वे विद्यार्थी जिनके पास गणित विषय नहीं है उन सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया जाए। वे विद्यार्थी जिनके पास गणित विषय था उन सभी का परीक्षा परिणाम भी तैयार कर लिया जाए। यदि विद्यार्थी गणित विषय छोड़कर अन्य सभी विषयों में पास है तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। तो 10 अप्रैल 2020 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा भिवानी बोर्ड की तरफ से। और रिजल्ट आपके पास व्हाट्सएप, SMS या ईमेल के माध्यम से ही पहुंचेगा। और किसी भी परीक्षार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी को स्कूल में नहीं जाना है रिजल्ट आने के बाद, जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन हटने के बाद ही वो स्कूल जा सकते हैं। और उसके बाद आगे अपडेट एक आ रही है, विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएं, ये कहना राज्यपाल का। राज्यपाल कलराज मिश्र, जो कि अपने राजस्थान के राज्यपाल है, उनका ये कहना है कि कोरोना के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए, सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएं। उन्होंने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की व्यवस्था शीघ्र शुरू करें। शिक्षक पटवार व पुलिस भर्ती, प्रदेश में आगामी समय में तृतीय श्रेणी शिक्षक, पुलिस व पटवार सहित लगभग 15 विभागों में भर्ती होनी है। इसके लिए ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में नोट्स को ऑनलाइन कर दिया है। कई शिक्षक यूट्यूब चैनल व व्हाट्सएप कॉलिंग व फेसबुक के जरिए लगातार कक्षाएं लेते हैं। जिन विद्यार्थियों को किसी टॉपिक में संशय होता है तो शिक्षक के नंबर पर व्हाट्सएप कर देते हैं। तो ये भी अच्छी एक पहल है अगर कोचिंग सेंटर इस तरह से कर रहे हैं तो। और उसके बाद लॉकडाउन से मिला सबक, ऑनलाइन एजुकेशन पे करेंगे फोकस। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा सभी परीक्षाओं पर निर्णय 14 अप्रैल के बाद। तो राजस्थान में भी जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी का निर्णय 14 अप्रैल के बाद ही किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहली से नौवीं व ग्यारहवीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं, पांचवीं आठवीं के बच्चे दूसरे बोर्ड राज्यों की तरह क्या प्रमोट नहीं होंगे। तो इनका कहना है लॉकडाउन के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तब तक बच्चे घर में रहकर अध्ययन जारी रखें, सभी परीक्षाओं के बारे में निर्णय बैठक के बाद ही होगा। तो ये मेन मेन अपडेट जो आज की अलग अलग न्यूज़पेपरों में आई है आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। बाकी इसी तरह की अपडेट आपको डेली मिलेंगी रोज सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो के माध्यम से। उन सब के लिए कर लीजिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो लगा है अच्छा तो इसे कीजिए लाइक और शेयर। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।